प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। लखनऊ मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज में हम मौजूद हैं। आज लखनऊ में मतदान पड़ रहा है। ये देखिए, सुबह से लोगों में उत्साह दिख रहा है, लाइन लगी हुई है और लोग लगातार वोट डालने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, इस बार किस इशू को ध्यान में रखकर के वोट किया जा रहा है? इस बार बेरोजगारी ख़त्म हो और स्वच्छ प्रशासन हो और भारत सरकार की जो भी योजनाएं उत्तर प्रदेश की हो जन जन तक पहुंचे, और सबसे मेन चीज़ ये है कि रोजगार और महंगाई और भ्रष्टाचार, इस पे सरकार जो भी नई बनती है उसको विशेष ध्यान देना है। सर्वप्रथम प्राथमिकता है रोजगार की। रोजगार से वंचित हैं बहुत सारे लोग जो शिक्षित हैं, एमटेक, बीटेक, बीएड, टीईटी सब करके बेचारे घूम रहे हैं। इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना है। नहीं तो जो सरकार चल रही है इसी से लोगों को उम्मीद है या कुछ दूसरी तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है? नहीं, उम्मीद इनसे किया जा सकता है क्योंकि इन्होंने किए हैं युद्ध स्तर पर, लेकिन जो रोजगार से अभी कुछ लोग वंचित रहे हैं उसका मूल कारण यह है कि इधर कई महीनों से साल में कोविड का प्रभाव रहा है। कोविड के नाते सरकार की अर्थव्यवस्था जो है ध्वस्त हो गई थी, जिसके कारण कोष में थोड़ा पैसे की भी प्रॉब्लम थी, इसलिए सरकार ने उस पर पूरा फोकस नहीं कर पाया है। आप सुबह वोट डालने आए हैं जी, उत्साह भी लोगों में दिख रहा है जी, क्या लगता है इस बार कुछ मतदाता कुछ अलग तरीके की सोच के साथ वोट कर रहे हैं? अब अलग अलग मतदाताओं की भावनाएं हैं, अब उसमें जिसको जो अच्छा लग रहा है। लेकिन युवाओं के लिए कुछ मैसेज आपकी तरफ से? युवाओं के लिए ये है कि युवा वर्ग जो है वो भी इस बात से चिंतित रहा है इस सरकार से कि हम लोगों को 100% जो है नहीं मिल पाया है रोज़गार, लेकिन उन्होंने ये बात सोचा है जो समझदार लोग हैं कि कोविड ने काफ़ी तंगी कर दी थी जिसके कारण आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी गवर्नमेंट की, अब की बार पूर्ण भरोसा है कि मिलेगा। चलिए आइए और लोगों से बात करते हैं, क्या सोच के इस बार वोट किया जा रहा है? सबसे ज़्यादा तो जात पात वाला हिसाब है, क्योंकि जात पात कोई भी सरकार, अगर एक बाप अगर अपने औलाद को, पांच अगर चार औलादे हैं, चार औलाद को अलग अलग नज़र से देखेगा तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। बस मेन वजह यह है और कोई बात नहीं। तो क्या लग रहा है जो सरकार इसमें है वो या कुछ बदलाव? सरकार बदलाव होगी तभी अच्छा रहेगा जी। तो खैर दादा, बदलाव की बात कर रहे हैं और लोग हैं भैया, इस बार क्या दिमाग में रखकर वोट किया जा रहा है? सबसे ज़्यादा जैसे आजकल नए युवा बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के बाद भी कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, सब प्राइवेट काम हो रहेंगे, है ना, और आदमी जो है आगे बढ़ना चाहता है बढ़ नहीं सकता ज़्यादा, ये समस्या है आम पब्लिक। हम लोग तो गवर्नमेंट जॉब में चलो चल रहा हमारा लोग का, हमको तनख्वाह मिल रही है, हमारा घर चल रहा आराम से, लेकिन जो बेचारे ठेले खुंचे लगाने वाले हैं उनके लिए कुछ नहीं होता है, खाली राशन बांटने से कुछ नहीं हो रहा है, है ना, हर आदमी को राशन भी नहीं मिलता, जो ईमानदारी जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता, जिसको नहीं मिलना चाहिए वो ले लेता फिर भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके। तो जो मतदाता है वो नाराज है, उसकी गुस्सा कुछ दिखेगी, कुछ बदलाव दिखेगा? हाँ, हमको तो दिखना चाहिए, हम लोग खुद गवर्नमेंट जॉब में, हमको तनख्वाह मिल रही है, हम तो बदलाव चाहते हैं, हमारा लिया है आज तक का गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट ने तो खासतौर से। तो खैर नाराजगी भी है, जायज़ होगी नाराजगी क्योंकि लगातार। दादा, किस क्या सोच के वोट इस बार कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? सब ठीक है भैया, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ सब ठीक है। चलिए, कुछ युवा भी हैं, क्या सोच के इस बार वोट कर रहे हैं आप लोग? कुछ सोच के नहीं, बदलाव लाने के लिए। बदलाव लाने के लिए बस। अभी जो गवर्नमेंट है उससे कुछ नाराज़गी? कुछ नाराज़गी नहीं है, बस बेरोज़गारी बढ़ा दी, इससे ज़्यादा नाराज़गी और क्या ही होगी। आज कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं, आपकी जो वोट कर रही हैं तो क्या सोच के वोट कर रही हैं? क्या भैया, सुकून मिलना चाहिए, जैसे हर सरकार सुकून से सब चलते चले आए मिलजुल के, वैसे ही हम लोग चाहते हैं बस। तो इस सरकार में सुकून नहीं है? अरे सुकून है, मगर अब लॉकडाउन लग गया, गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, परेशान हो रहा है, ये सब है परेशानी है, बस यही मुसीबत का सामना है। देखिए मैम भी साथ में, मैम किस चीज़ को सोच करके, क्या दिमाग में रख करके इस बार वोट किया जा रहा है? कुछ बाकी जो चुनाव होते हैं अभी तक जो है बहुत बार आपने वोट किया होगा, इस बार कुछ अलग से आपको नज़र आ रहा है, सोचने की जरूरत है कुछ? नहीं, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं की सुरक्षा, इन तीन बातों को हमेशा मद्देनजर रखती हूँ। थैंक यू। तो जो सरकार इसमें चल रही वो ठीक है या कुछ बदलाव की? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ।
तो लोगों का कुछ लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बोलने से दब रहे हैं। फिलहाल लोगों में नाराज़गी है बेरोजगारी को लेकर के और कई सारे इशू हैं जिनको लेकर के, विकास को लेकर के, तो कुछ लोग बदलाव की भी बात कर रहे हैं। अब देखना होगा 10 मार्च को क्या रिजल्ट आता है। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।